नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको कांजी बनाने की विधि बताएंगे। हमारी टीम ने, हमारे स्टूडेंट्स ने जो कांजी जिस तरह से बनाई उसको हम आज अपने थोड़ी देर में जो वीडियो चालू होगा उसमें हम दिखाएंगे। दोस्तों, कांजी कई तरह की बनती है। चावल की बनती है, दाल की बनती है, कुल्थी की बनती है और भी बहुत सारी चीज़ों से हम कांजी बना सकते हैं। तो कांजी किस तरह से बनाई जाती है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। प्रयोग थोड़े थोड़े शब्दों में सुनिए। हम पारत के शोधन में उसका प्रयोग करते हैं कांजी का। विशेष रूप से हम कई तरह के रोगों में रोगियों को भी देते हैं कांजी, और ख़ास तौर से रस औषधियों के जितने भी शोधन होते हैं मैक्सिमम कांजी के अंतर्गत ही होते हैं। तो कांजी एक रस शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, इसलिए कांजी कैसे बनाई जाती है वो आप देखें। दूसरा, शास्त्रों में अलग अलग तरह से अलग अलग कांजी दी जरूर गई है। हम लोगों ने यहाँ पे सादे चावल की कांजी बनाई है। हमने चावल के कुछ कर लिए, चावल को हमने पाउडर कर लिया जिससे चावल जल्दी पक जाए। फिर हमने चावल के कणों को उबाला, जब हो गया फिर उसको ग्राइंडर में हमने उसको अच्छी तरह से पीसा। इसके बाद हमने उसमें सौंधव लवण, लहसुन, पीली राई, सरसों, ये सब हमने उसके अंदर मिक्स किया। उसके बाद मिक्स करने के बाद उसको संधान करने रख दिया, कपड़ा मिट्टी करके उसको पैक कर दिया। अब हम जब भी इसको खोलेंगे इसमें फर्मेंटेशन हो चुका होगा तब इस कांजी का हम उपयोग करेंगे। कांजी पीने में स्वादिष्ट लगती है, फर्मेंटेशन होने के बाद उसका स्वाद थोड़ा बदल जाता है। सब जगह हर किताब में कांजी की अलग अलग विधि है, हमने यहाँ साधारण तरीके से बनाई है। रसशास्त्र और भैषज कल्पना किताब में संधान कल्पना के अंतर्गत कांजी को रखा गया है, क्योंकि संधान कल्पना में उसमें फर्मेंटेशन के बारे में बताया गया है। तो इसलिए कांजी की विधि ध्यानपूर्वक देखिए, आप घर में भी बना सकते हैं। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कांजी बनाने की विधि को मैं अब डिस्प्ले कर रहा हूँ, अब देखिए।